तो ड्राइवर भाइयों, एक बात करना विशेष ध्यान रखना है, मेरठ का टोल जो मेरठ एक्सप्रेसवे का पार होता है ना, और उसके बाद जब लूप से उतरती है गाड़ी, तो वहाँ 101% दिन में भाई आप जाओगे तो पुलिस वाले खड़े मिलेंगे। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना, सीट बेल्ट लगा के रखनी है, स्पीड लिमिट में रखनी है, और स्टेट टैक्स हर हाल में कटवा के रखना है। ये देखो ये खड़े, ये देखो खड़े ना, और गाड़ी रुकवा भी रखी है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान देना, ये बिल्कुल हर रोज़ का काम है यहाँ पे, एक यहाँ पे उतरते वक्त और एक फिर जहाँ पे बाईपास एंड होगा ना वहाँ पे मेरठ में, ये तो भाई बिल्कुल गांठ बांध लो, बिना स्टेट टैक्स के घुसना ही नहीं है मेरठ के अंदर। इस बात का बस ध्यान रखना भाई, ना तो लंबी पर्ची कट जानी है और हो जाएगी बहुत बड़ी समस्या। हाँ तो मैं तो खाना खाऊंगा, जिसने वाशरूम वगैरह यूज करना हो यूज कर लीजिए, तो थोड़ी देर इसमें तो फिर गर्मी लगेगी ना ज्यादा, अंदर बैठ जाओ ना, तो क्या दिक्कत है, चाय पानी तो पी लो, चाय तो पी ही लो ना, जब तक मैं खाऊंगा जब तक पंखे के नीचे बैठ जाओ आराम से, फिर मैं चलते हैं फिर। राम राम भाई, सारे भाइयों ने, मैं विक्की खत्री अपने चैनल ए बी कैब वाला के एकदम न्यू और फ्रेश व्लॉग में करता हूँ भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। आज आधे रास्ते से आपको अपडेट दे रहा हूँ, मैं हूँ अभी मुजफ्फरनगर गणपति टूरिस्ट ढाबा नंबर 1, जो कि मेरे पास बुकिंग आई है भाई देहरादून के लिए उबर पे, पटेल नगर से देहरादून वन वे ट्रिप 257 किलोमीटर का मुझे राइड शो कर रहा था। बाकी अभी देखो अभी तक गाड़ी 150 किलोमीटर के आसपास मेरी चल चुकी है, और यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास का अभी देहरादून का रास्ता बाकी है। अभी तक जो भी टोल स्टेट टैक्स पार्किंग आया है वो मैं अभी तक का अपडेट कर देता हूँ, यूपी का टैक्स, मेरठ एक्सप्रेसवे का टोल, एक मेरठ का टोल, और अभी यहाँ पहुँचे हैं। आगे होगा, आगे जाके लेफ्ट हो जाना गणेश जी की तस्वीर के पीछे से। तो भाई अभी लंच का हो गया है टाइम, दोपहर हो गई है, करीब 2 बज गए हैं, एग्जैक्ट 2 बजने वाले हैं या बज गए हैं, तो अभी यहाँ पे खा लेते हैं खाना। और भाई आजकल तो हर रोज़ आउट सेशन ट्रिप हो रही है, आप देख ही रहे हो हर रोज़ व्लॉग में, तो मिलते हैं भाई आपसे, पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे, और आखिर में तो सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चल ही जाना है, कैसे कैसे काम हुआ, कितने खर्चे हुए, तो बने रहना आप लोग में आखिर तक। और भाई काम खेचते रहो, करते रहो कार्रवाई, काम की कोई समस्या नहीं है, आप हर रोज़ देख रहे होगे वीडियो में। तो भाई पहले लंच कर लिया जाए, तो भाई लंच करने के बाद निकल पड़े हैं देहरादून की तरफ। अब ये जो मुजफ्फरनगर गणपति होटल से हम निकलते हैं ना भाई, तो ये जो रास्ता एक राइट में के जिस तरफ रोड घूम रहा है ना भाई, ये तो चला जाएगा हरिद्वार, और लेफ्ट में जब हम उतर जाएंगे नीचे की तरफ, ये तो थोड़ा सा आगे जाकर सहारनपुर वाला हाईवे आ जाएगा, जो कि वाया ये वाला जो ये रोड आप देख रहे हैं, वाया देवबंद होते हुए पहुंचेगा आपका सीधा देहरादून। ये भाई टोल जो है यहाँ पे कैश वाला देना पड़ता है, 245 रुपये का भाई अप डाउन है, और 165 रुपये का है वन वे। मगर इसका एक ध्यान रखना, जो ये देवबंद वाला टोल है ये उससे अगले वाले टोल पे भी वही सेम स्लिप चलती है, तो एक टोल पे जो रहने वाले टोल पे की जो स्लिप है वो इस वाले टोल पे भी जो भी आप देख रहे हैं ये उससे अगला टोल है जिस पे वही पर्ची चलेगी जो आपने पीछे ली थी, चाहे वो 165 की ली है एक तरफ की या फिर 245 की ली है, कोई भी ली होगी तो दोनों पे भाई सेम स्लिप चलेगी। और भाई जैसे ही वो टोल पार होगा आप, या तो भाई बहुत सारे ड्राइवर भाई जो अपने हैं वो यहीं से जो ये एकदम राइट में जो थोड़ा सा कट दिख रहा है ना, यहाँ से भी जरा सा रोंग साइड लेके, यहाँ से जरा सा रोंग साइड लेके फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा लेते हैं, जो कि यमुनानगर वाला रोड है जो जाता है ये देहरादून से यमुनानगर अम्बाला। तो मगर भाई मैं थोड़ा आगे से यू टर्न लेके आऊँगा,
यू टर्न लेके भी आप आओगे तो लेफ्ट में चढ़ना पड़ेगा, पर मैं प्रेफर करूँगा यू टर्न ही ले लो तो उसमें बेहतर है। बाकी भाई सबके उस टाइम पे किस तरीके का माहौल है उस रोड पे, उस हिसाब से आप अपना डिसाइड कर सकते हो। ये 300 मीटर के आसपास आगे जाके यू टर्न होता है, तो वहाँ से यू टर्न लेकर भाई चढ़ते हैं हाईवे पर। तो भाई पहुंच गए देहरादून, यहाँ से स्टार्ट होती है बाइक चढ़ाई और बस सब जल्दी है। यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर देहरादून है और भाई धीरे धीरे करके चढ़ते हैं, क्योंकि भाई पहाड़ी एरिया में थोड़ा होशियार होकर गाड़ी चलाने में फ़ायदा है। बागा दौड़ी में कोई कुछ नहीं रखा, बड़ी समस्या हो जाती है भाई बागा दौड़ी में, क्योंकि एकदम मोड़ पर कब कौन सी गाड़ी और किस तरीके से आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो दूसरा ठीक चलाए ये सोचने की बजाय अपना खुद ही भाई ठीक ठाक चला लो, आराम आराम से चढ़ जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। कौन सा क्या करना है, देहरादून पहुंचने के बाद भी तो भाई गाड़ी चलानी है ना, कौन सा देहरादून जाने के बाद अपने लिए बिस्तर सज रहे हैं। तो भाई ड्राइवर ने कोई हबड़ तबड़ नहीं करनी है, चाहे सवारी देखो तो थोड़ी बहुत जल्दी होती है, वो ट्रेन का टाइम है, फ्लाइट का टाइम है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो भाई देखो गाड़ी चलानी पड़ जाती है तेज़। मगर अगर पैसेंजर ने भी भाई अपने घर ही जाना है तो फिर किस चीज़ का जल्दी, हमने आराम आराम से गाड़ी चलाते रहो 40-50-40 जो भी जिस रोड पर जिस भी तरीके की स्पीड लिमिट भाई रहना उस हिसाब से गाड़ी चलानी है और बाकी आराम से पहुँचाना है पैसेंजर को उसके ठिकाने पर। भाई आराम आराम से सफ़र करते हुए पहुंच गए हैं देहरादून, बस ये टनल पार हुई और अपने 2-2.5 किलोमीटर के बाद, इसके बाद तो एकदम एक्सप्रेस वे बन गया भाई। यहीं तक की अभी थोड़ी समस्या है मगर ये भी हो जाएगी जल्दी ख़त्म मेरे ख्याल में। एक साल के बाद मैं आया हूँ, एक साल के बाद आया तो जब तक ये काम भी कम्प्लीट हो जाना है भाई, और बाकी अभी देखते। देखो यहाँ तो भाई पार करते ही तो इतना खतरनाक रोड बन गया है ये देखो। बस भाई बात करते करते पहुँच गए हैं देहरादून, देहरादून सिटी स्टार्ट हो गई है वाया देवबंद होते हुए, जो मैं जिस रास्ते से आया हूँ। वैसे तो भाई देहरादून में एंट्री के बहुत सारे रास्ते हैं, हरिद्वार की तरफ से भी है, आपका पौंटा साहब की तरफ से भी है, और अब कई तरीके के रास्ते पर अपना जो रूट है भाई वो है। देखो वेलकम हो गया भाई उत्तराखंड में आपका। तो चलो अभी मेरे को बस अड्डे पे छोड़ना है भाई पैसेंजर को, अभी छोड़ देते हैं और जो बिल वेल बनेगा वो बताता हूँ आपको, एक बार ड्रॉप कर देता हूँ। एक ओटीपी आ होगा जी, दूसरा देखना। अरे अभी हाँ पूछो जल्दी फोन करके। तो भाई बस स्टैंड पे पहुंच गया हूँ देहरादून, सामान उतार दिया पैसेंजर का, अब यहाँ से निकलते हैं फिर बात करते हैं अभी अगली राइड के बारे में भी बात करेंगे, पहले यहाँ से निकला जाए भाई। दिल्ली में तो 2.5 रुपये हुए हैं, यहाँ पे ₹2.5 सब का 2.5 ही हुआ है।